हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। आज की क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस करना है सर्किट थ्योरी का पार्ट नंबर टू, और पार्ट नंबर टू के अंदर हम बात करने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ओनली। इंडक्टर मतलब कोई कॉइल होगी, ठीक है। इससे पहले जो पार्ट वन था, पार्ट वन में हमने पढ़ा था सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट था तो उसके साथ करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या था, उसके साथ हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एसी सर्किट के साथ कोई इंडक्टर सर्किट में होगा और उसके साथ हमारा करंट और वोल्टेज के बीच का फेज रिलेशन क्या होगा, क्या इसका फेजर डायग्राम होगा, क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आज की क्लास में हमने इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। आई होप आपका लास्ट लेक्चर क्लियर रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों ने अभी नहीं चेक किया है देन आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले हमारे पास यहां पर ये कोई कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने यहां कनेक्शन दिया किसी अल्टरनेटिंग सोर्स को। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का सिंबल V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी है और ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L कंसीडर कर लिया। यहां पर हमने कंसीडर किया कोई करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आपका I। अब क्या करना है, हमें बनाना है करंट। हमारे पास वोल्टेज अवेलेबल है, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एल अवेलेबल है, देन हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म्स में करंट वोल्टेज की हेल्प से हमें करंट मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हम एक बात अच्छे से जानते हैं, एज एक फॉर्मूला था हमारे पास वी इज इक्वल एल डी आई बाय डी टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहां से मिला, फेराडे ने दिया था डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है जब कोई कॉइल सर्किट में आता है, हमारे पास फेराडे के अकॉर्डिंग था ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और हमारा डी ओवर डी टी एज इट इज हम प्लेस करते हैं जब इंडक्टेंस की बात आती है या फिर कॉइल की बात आती है, देन इट विल बी योर एल आई, देन हम यहां से प्लेस करते हैं, एल हमारा कॉन्स्टेंट है, आंसर बनता है डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये होता है, तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज करना है अब, और इसी का यूज करते हुए हमें आगे प्रोसीड करना है अपने लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को। वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है तो यहां से अगर हम करंट की इक्वेशन अरेंज करने जाते हैं, हम लिखते हैं डी आई इक्वल हमारे पास किसके होगा, वी बाय एल इंटू डी टी। सबसे पहले वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। चलो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर वन। V इक्वल टू वी, अब प्लेस करना है हमें V, सॉरी डी आई इज इक्वल वी नॉट बाय एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, कंप्लीट है। आफ्टर दैट क्या करना है, डी आई डी आई ये क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है भाई, हमें कैलकुलेट करना है टोटल, और स्मॉल से टोटल मतलब छोटे से बड़ा बनाना है, तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए हमें करना होता है इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड सांप लगा दो, डी आई इज इक्वल क्या बना, वी नॉट बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, देन डी आई इज इक्वल टू, सॉरी डी आई का इंटीग्रेशन किया तो आई हो गया। यहां पर हमने देखा वी नॉट बाय एल कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर हमारे पास बनता है साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अभी साइन ओमेगा टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस, देन हम लिखते हैं आई इज इक्वल माइनस वी नॉट बाय एल, साइन को इंटीग्रेट किया देन ये कॉस में ट्रांसफर हुआ, कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, इसको हम यहां से प्लेस करते हैं आई इज इक्वल वी नॉट इंटू ओमेगा एल माइनस के साथ, और कॉस ओमेगा टी, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन जो है हमारा एक ऑड फंक्शन होता है, तो जो नेगेटिव है ये एंगल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, then I is equal V naught by omega L sine of omega T minus pi by 2, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इतना इतना करने के बाद क्या करना है भाई, हमें बेसिकली करंट बनाना होता है। देखो करंट क्या होता है, यहां से हम कंसीडर करते हैं ओमेगा एल, ओमेगा एल इज इक्वल हमारा होगा एक्सएल, इसे बोला जाएगा इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट इसकी वही रहती है जो रेजिस्टेंस की होती है हमारे पास, विच इज इक्वल टू ओम,
ठीक है। अब देखो यहां पर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, V नॉट होता है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज बाय करंट अगर हम प्लेस करने जाते हैं देन इट विल बी आई नॉट। देन हम यहां से इसे प्लेस कर सकते हैं, V नॉट बाय XL इज इक्वल टू I नॉट होगा, और फाइनली हम लिखते हैं I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा T माइनस पाई बाय टू। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यहां तक कंप्लीट होने के बाद इक्वेशन नंबर टू अगर हम इसे प्लेस करते हैं देन हमें क्या पता चला, इक्वेशन वन और टू को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो हमें पता चल रहा है कि जो वोल्टेज वोल्टेज है हमारा वो क्या है, वो आगे है किससे, करंट से। करंट कितना पीछे है, करंट के एंगल में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा करंट सॉरी जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, और जब हमारा करंट जीरो हो चुका है तो उस अगर हम बात करें अगर हमारा वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट हमारा जीरो था, और अगर हमारा वोल्टेज जीरो होगा तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। कैसे, क्योंकि यह हमें बता रहा है कि करंट जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। अगर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री आता है देन हम उसे बोलेंगे सर्किट होगा प्योरली इंडक्टिव। लेकिन इतना याद रखना है करंट पीछे चल रहा होगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें क्या पता चला, हमें पता चला क्या पता चला, वी लीड विद आई बाय ए फेज एंगल, फेज एंगल ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई इज कितना है, जीरो है। ठीक है, हो गया इतना कंप्लीट। इसके बाद क्या करते हैं, चलो अब हमारे पास आता है फेजर डायग्राम की कहानी, फेजर डायग्राम एंड आफ्टर दैट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। चलिए फेजर डायग्राम हम यूज करते हैं। अब फेजर डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास हो गया एक्सिस हमारे। अब देखो भाई ये कह रहा है जो वोल्टेज है ना वो आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज वाली एक्सिस है वो हमारे पास अपसाइड रहेगा। तो हमने इमेजिन किया ये हमारे पास यहां जो एंगल बन रहा है दैट इज ओमेगा टी, और ये जो इसने वैल्यू प्लेसअप की है इंडिकेट कर रहा है दैट इज योर वी नॉट, और यहां जो वोल्टेज है वी इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि जो करंट है ना वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, देन क्या करना है, अब करंट के बारे में बात करनी है, हमने करंट की इक्वेशन प्लेस करनी है। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस बेसिकली 90 डिग्री रहेगा, और यहां अगर आप बात करने जाओगे इस एंगल के बारे में, ये एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये जो पार्ट है बेसिकली आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहां जो वो ये करंट में इंडिकेट कर रहा है इसको हम नाम देते हैं आई नॉट। ये हमने इमेजिन किया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये था हमारा इसका फेजर डायग्राम। अब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने जाते हैं वो क्या बनेगा, देख लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करना है भाई, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं अबकी बारी इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम करंट का सॉरी करंट कह रहा हूं वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपना। थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, अब ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यहां पे हमने इसे इमेजिन किया है दैट इज हमारा V नॉट। ठीक है, V नॉट हो गया, और ये जो इक्वेशन होगी V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है,
अभी देखो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है आगे अगर हम बात करने वाले हैं करंट के बारे में, देन करंट आपका कैसे रहेगा। करंट के लिए कह रहा है कि करंट ना 90 डिग्री पीछे चल रहा है। करंट 90 डिग्री पीछे चलने का मतलब है करंट जो शुरू होगा वो नेगेटिव क्वाड्रेंट से शुरू होगा। तो हमने इमेजिन किया ये पोजीशन रहेगी, यहां पर ये पॉइंट जहां वोल्टेज मैक्सिमम था, यहां पर ये पॉइंट जहां वोल्टेज हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। और जहां वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा उन पॉइंट्स पर हमारा करंट बेसिकली मिनिमम होने वाला है। यहां हम कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं दैट इज योर आई नॉट। देन चलिए हम शुरू करते हैं इसकी कहानी को। ये हमारा रहेगा करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कब जब सर्किट के अंदर कोई इंडक्टर कनेक्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं सर्किट हमारा प्योरली इंडक्टिव होगा। देन आई इज इक्वल आई नॉट, चलो यहां पे प्लेस कर देते हैं इसे, ठीक है। I इक्वल होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इसका न्यूमेरिकल हमने शुरू करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक छोटे मोटे दो एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनका ग्राफ क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे ग्राफ वारी करेगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, तो बात करते हैं इसके बारे में। चलिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सएल, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटी कैसे रिलेट करती है वो देखना है। हमारे पास क्या था, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल था, और ओमेगा हमारा किसके बराबर होता है, एक्सएल इज इक्वल हो गया टू पाई एफ इंटू एल। इट मीन्स एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। एक्सएल हमारा क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ठीक है। देन क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्सएल, ठीक है। अभी ग्राफ क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है भाई, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मतलब ओरिजिन से शुरू होने वाला है, ओरिजिन से शुरू हुआ तो ग्राफ हमारा सीधा गया, ठीक है। हो गया ग्राफ कंप्लीट। इट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, करंट को अपोजिशन देगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी सोर्स की बढ़ाते हो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपोजिशन भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए एक बात और यहां से मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसे याद रखना। फोर डीसी, अगर हमारे पास डीसी होता है, डीसी के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारी जीरो होती है, तो भाई एक्सएल कितना बनेगा, एक्सएल भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इट मींस क्या होगा, फोर डीसी इंडक्टर एक्ट एज ए प्योर कंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर जो है किसकी तरह बिहेव करने वाला, बिल्कुल प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इस केस में कोई भी अपोजिशन नहीं मिलेगा, करंट के फ्लो को जब कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा तो करंट इजीली पास हो जाएगा सर्किट के अंदर से। क्लियर है कहानी, समझ आया, चलिए आगे बढ़े। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके, इंडक्टर के। और फिर हाँ एक बात और बता देता हूं, चलो छोटी सी, बेसिकली कंफ्यूजन रहती है। अभी तो चलो हमारे पास इंडक्टर है, आगे हम कैपेसिटर के बारे में भी बात करेंगे, कंफ्यूजन रहती है, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि कहां करंट लीड कर रहा है, कहां वोल्टेज लीड कर रहा है, अक्सर कंफ्यूजन रहती है। तो इसको याद करने का एक सीधा सा रास्ता मैं आपके सामने प्लेस करने जा रहा हूं। हमारी इंडिया के अंदर ये नाम बहुत मशहूर है,
सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है, आईपीएल, आईपीएल, आई क्या हो गया आपका इंडियन प्रीमियर लीग, सब जानते हैं ना, अरे वो नहीं है भाई, दूसरा है, आई का मतलब होगा आपका इंडक्टर, ठीक है, पी का मतलब होगा आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया, और एल का मतलब हो गया आपका लीड, तो ये कहेगा कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, याद करने का सीधा सा तरीका आईपीएल बनाओ और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे आपसे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी है हमें, हो गया कंप्लीट, रफ कर दें, चलिए रफ करते हैं और फिर न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं अब इसका। क्वेश्चन हमारे पास आता है एन एसी सोर्स ऑफ वी इक्वल 200 साइन 314 टी, ठीक है, इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, अप्लाइड टू एन इंडक्टर ऑफ 2/π हेनरी, ठीक है, 2/π हेनरी। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा भी हटाते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट को पहले निकालते हैं, इसका रिएक्टेंस कितना होगा, ठीक है, फाइंड आउट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लिख देते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट हम प्लेस कर लेते हैं यहां पर, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन भी बनाओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए शुरू करें कहानी को, सबसे पहले बात करनी है किसके बारे में, देखो क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से पैरामीटर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे पास देखो V इक्वल हमारे पास है V नॉट साइन, सॉरी नॉट V नॉट, V नॉट नहीं है भाई, ये तो 200 है, 200 साइन 314 टी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है जी अगर आपके पास इंडक्टेंस जो अप्लाई आपने किया है दैट इज 2/π हेनरी, देन कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, एक्सएल निकालना है, एक्सएल क्या होता है हमारे पास, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के, ठीक है, ओमेगा इंटू एल, यहां तो कंप्लीट है ना, अरे ओमेगा इंटू टी लिख दिया, अरे 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 नहीं 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 भाई, ओमेगा इंटू एल चलेगा। अब ओमेगा क्या है, देखो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो यहां 314 है, यहां पर ओमेगा है टी के साथ, बाकी तो सेम सेम ही चल रहा है, यहां भी साइन है वहां भी साइन है, मतलब आपका जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ओमेगा होता है हमारा 314, ठीक है, प्लेस करो यहां पर रेडियन पर सेकंड प्लेस कर लेते हैं इसे, देन हमारे पास कितना बनता है यहां से, अगर आप एक्सएल निकालने जाते हो, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा हो गया 314 और ये हो गया 2/π, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3.14 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइड बाय पाई। अब देखो पाई और 3.14 एक ही होता है, देन हमारा आंसर कितना बना 200 ओम,
एक्सएल आ गया हमारे पास 200 ओम। अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे कह रहा है भाई सेकंड पार्ट देखो, पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की पीक वैल्यू निकालनी है। पीक वैल्यू का रास्ता क्या था, आई इज इक्वल वी नॉट बाय एक्सएल। तो वी नॉट कितना है यहां पे, देखो वी नॉट हमारा ये होता है, वी नॉट कितना आया हमारा 200 हमने प्लेस किया, और हमारा एक्सएल कितना आया, एक्सएल हमने कैलकुलेट किया ये भी 200 आया, आंसर कितना आता है 1 एम्पियर। पीक वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास क्या आती है, 1 एम्पियर। उसके बाद उसने आगे कहा है, देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, अब देखो सर्किट में कंपोनेंट क्या क्या है, सर्किट में कंपोनेंट हमारे पास एक इंडक्टर, इंडक्टर के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या होता है, और फिर कंफ्यूजन कि कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग बिहाइंड जाएगा। सीधा रास्ता है बताया था IPL, मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, मींस V जो है वो 90 डिग्री आगे रहने वाला है किससे, करंट से। देन अगर हम करंट की इक्वेशन प्लेस करने जाते हैं, करंट हमारा बनता है I नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया 3140 प्लस का फाइव, सॉरी प्लस नहीं आता, इंडक्टर में करंट पीछे रहता है तो माइनस का फाइव रखना है, और फाइव हमारा कितना रहेगा यहां पे 90 डिग्री है। देन हम प्लेस करते हैं I इज इक्वल, I नॉट हमारे पास था 1 साइन 3140 माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। आप अगर फाइनली प्लेस करने जाते हो देन आप लिखोगे I इज इक्वल साइन 3140 माइनस पाई बाय टू। ये क्या आती है हमारी, ये आती है इक्वेशन किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन, चलिए आई होप कि आपके ये जो डाउट होगा इस टॉपिक को लेके किसी भी तरह का वो क्लियर रहा होगा, और हम बाकी बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।